हेलो फ्रेंड्स, सादा किचन में आपका स्वागत है। मटर के सीज़न में मटर को हर खाने में मिलाना है और नई डिश बनानी है। इसी तरीके से मटर कीमा किचन में बनने जा रहा है। कुकर लिया है और कुकर में 100 ml ऑयल लिया है। गर्म होते ही इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज जो कि चॉप की हुई हैं पहले से, तेल के गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे। प्याज को चलाते रहेंगे ताकि जल्दी से सूख हो सके और गैस की फ्लेम फुल रखनी है। जैसे कि देख सकते हैं प्याज सूख हो चुकी है और अब हम इसमें 500 ग्राम कीमा जो कि लिया है और इसको भली भांति धो लिया गया है और डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक आपको चलाते रहना है ताकि मिक्स हो सके अच्छे से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 3 चम्मच मैंने लहसुन अदरक प्याज का जो पेस्ट है वो लिया है और ये ग्राइंड किया हुआ पहले से रखा था। साथ ही सूखे मसाले में 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, धनिया 1 से 1.5 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार रहेगा। 7 से 8 दाने गोल मिर्च के मैंने लिए हैं। मसाले डालने के बाद आपको भली भांति चलाना है। 2 से 3 मिनट तक ये भूनना है इसे। पचास एम एल करीब पानी हमें ऐड करना है। पंद्रह मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। कीमा काफ़ी हद तक के गल चुका है और मटर मैंने साथ में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मटर 2 से 3 सीटी में हो जाती है और कीमे के साथ वो बहुत ज़्यादा गल जाती। तो अब हम इसमें जो मटर है वो करीब 400 ग्राम है और मटर सीज़न की फलियां हैं, जिसे मतलब सीज़न की फलियां शुरू में जो होती हैं वो कम मिठास की रहती हैं, तो अभी मीठी मटर नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। करीब 1/2 चम्मच हल्दी ऐड की है और 500 ग्राम ये मटर ऐड किए हैं जैसे कि देख सकते हैं। टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं जिनको 20 से 2 पीस किए हैं, ये ऐड कर दिया है। और आप यहाँ पे नमक मतलब चेक कर सकते हैं, कम हो तो बढ़ा सकते हैं और शुरू में नमक कम ही लेना है। तो यहाँ पे नमक को बढ़ाया जा सकता है। मटर डालने के बाद अब सबको भली भांति चलाएंगे, एक साथ मिक्स करेंगे। पानी अब हम यहाँ पे 50 ml करीब और ऐड करेंगे। पानी भी ऐड कर दिया गया है और हम इसे भुना ही बनाएंगे तो इसलिए पानी कम रखा है शुरू में ही, और पानी इसलिए बढ़ाया है ताकि नीचे लगे ना जले ना। अब हम इसमें सीटी लगाएंगे और मीडियम
फ्लेम में 10 मिनट पकने देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद भली भांति ये बन चुका है, तैयार हो चुका है। थोड़ी सी कसर के लिए 10 मिनट हम अभी मीडियम फ्लेम पे फिर से पकाएंगे और ढक्कन यानी लिड नहीं ढकेंगे। जैसे कि देख सकते हैं पानी अब जल चुका है जो थोड़ा सा था, और बहुत ही भुना जैसे कि मैंने बताया था बनाना है, तो ये बन चुका है, बढ़िया बना है। और हम आपको चेक करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मटर भी गल चुका है, और जैसे कि मैंने चेक किया है बहुत बढ़िया बना है। ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, बनाइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।